उमरान मलिक का शानदार परफॉर्मेंस आता है और उसके बाद दिग्गजों ने काफी ज्यादा बातचीत की है, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात सुनील गावस्कर जी तो कमेंट्री बॉक्स में नाचने और झूमने लग गए थे वो 5 विकेट हॉल के बाद। आपको बताएंगे इस वीडियो में भारतीय क्रिकेट और फॉरेन क्रिकेटर्स के बड़े बड़े नामों ने क्या कहा है उमरान मलिक के इस फाइफर के लिए और उनके इस मैन ऑफ द मैच के परफॉर्मेंस के लिए। क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। क्रिकेट के अंदर आईपीएल के अंदर बहुत कम देखा गया है कि कोई खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बने और उसकी टीम ने मुकाबला हारा हो। आज आईपीएल में ये हुआ है जहां पे हालांकि हैदराबाद की टीम को मिली है हार, लेकिन उमरान मलिक को उनकी बढ़िया गेंदबाजी के लिए 5 विकेट हॉल के लिए 4 ओवर्स में 25 रन दिए, 5 सफलताएं ली, उसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें एक खिलाड़ी ऐसे भी हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने कहा है कि अभी तो उमरान मलिक को आप डाल ही नहीं सकते वर्ल्ड कप स्क्वाड में। सभी के बारे में बताएंगे आपको, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले बताते हैं क्या कहा है द टर्बोनेटर हरभजन सिंह ने। हरभजन सिंह ने तो साफ साफ कह दिया है कि सिलेक्टर्स को सबसे पहले जब आप नाम लिख रहे होंगे ना कौन से तेज गेंदबाज की टिकट कटेगी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वर्ल्ड कप में, सबसे पहला नाम वहां पे उमरान मलिक का ही लिखना चाहिए। शायद ये बात भी जायज है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा सपोर्ट करती हैं और अगर वर्ल्ड कप में सबसे तेज गेंदबाज भारत का होगा जो 153-154 की स्पीड से आम ही गेंदबाजी कर देता है तो सोचिए कैसा रहेगा भारत का दबदबा। उसके बाद आपको बता दिया जाए मोहम्मद कैफ का क्या कहना है इनके बारे में। उन्होंने तो कहा है कि अब जाके समझदार हुए हैं उमरान मलिक, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था शुरुआती कुछ मुकाबलों में थोड़े बहुत महंगे जा रहे थे उमरान मलिक, लेकिन अब उनकी महंगाई पे भी कंट्रोल आया है, रन्स भी कम दे रहे हैं और विकेट भी निरंतर लेते जा रहे हैं। फिर आपको बता दिया जाए पूर्व भारतीय ओपनर जो काफी ज्यादा बातचीत करते हैं ट्विटर पे, वीरेंद्र सहवाग का क्या कहना है। वीरेंद्र सहवाग ने यही कहा है उमरान मलिक के लिए। सहवाग ने तो जी 2 खिलाड़ियों को दिया है श्रेय उमरान मलिक के इस परफॉर्मेंस का, जहां वीरेंद्र सहवाग ने जिम्मेदार ठहराया है डेल स्टेन और भुवनेश्वर कुमार को जो इनकी अच्छी परफॉर्मेंस में योगदान डाल रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद की टीम की पेस अटैक को लीड करते हैं भुवनेश्वर कुमार और बॉलिंग कोच हैं डेल स्टेन जो अपने जमाने के सबसे तेज गेंदबाजों में से माने जाते हैं। उन्होंने कहा इन दोनों के होने से उमरान मलिक की परफॉर्मेंस में सुधार आया है और वर्ल्ड कप में जाने के बाद उमरान मलिक जो है वो विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा देंगे। इतनी तेज गेंदबाजी भारत का होगा सबसे तेज गेंदबाज वो देखे जाएगा भारत को वर्ल्ड कप में एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर। फिर आपको बताएंगे सुनील गावस्कर ने क्या कहा है। सुनील गावस्कर जी का कहना है, उनका कहना है कि अभी आप उन्हें स्क्वाड में रख सकते हैं लेकिन अभी उनको प्लेइंग 11 में डालना शायद ठीक हो सकता है, शायद ठीक नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास पहले ही जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर कुमार जैसे 3 ऐसे दिग्गज गेंदबाज हैं जो पेस अटैक को लीड करेंगे। साथ ही में उनका कहना है कि इनका टीम के साथ ट्रैवल करना ही काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल होगा, क्योंकि जब आप रहेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े नामों के साथ वो आपके लिए एक ज़रूर स्ट्रॉन्ग फैक्टर देके जाएगा। वेयर द सिक्सर किंग युवराज सिंह का कहना है कि गेंदबाजी अच्छी की उमरान मलिक ने, लेकिन सिर्फ गेंदबाज नहीं है जो आपको मुकाबला जिता सकते हैं, बाकी सभी गेंदबाजों को भी कॉन्ट्रीब्यूट करना था। तो इस तरह से हैदराबाद को हार का योगी ठहराया है युवराज सिंह ने। अब आपको बताते हैं उस खिलाड़ी के बारे में जिसने कहा है कि अभी इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम की स्क्वाड में भी। जी हाँ, इस पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज दिग्गज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अभी उमरान मलिक को जगह नहीं मिलनी चाहिए भारत की वर्ल्ड कप स्क्वाड में। तो बता दिया जाए आरपी सिंह वो नाम है जिन्होंने अभी नहीं दी है जगह उमरान मलिक को स्क्वाड के अंदर। कारण उन्होंने ये बताया कि अभी उमरान मलिक के पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा खेले नहीं है, जिसके चलते वो चाहते हैं कि पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना थोड़ा सा नाम उजागर करें, रणजी ट्रॉफी में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस करें, उसके बाद ही इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में जगह देनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर बढ़ती उम्र के साथ इनकी पेस कम हो गई तो जी क्या फ़ायदा रहेगा उस गति का। आपका क्या विचार है इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट वो भी सबसे पहले।